देखो बेटे यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन से आपके लोग लेकर आपको करना था इसमें तो हमने बहुत सारे तक लोग लिया, तो मैंने आपको बताया था हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया एक साथ लोग क्या गया, तो आपको पता है जो भी ये लोग के साथ होगा वो आपका वी हो जाएगा और ये यू प्रोडक्ट में हो जाएगा ना, यू टू भी आप लगा दोगे यहाँ पे यू इंटू वी मतलब क्या आप लगा दोगे प्रोडक्ट रूल। अभी वो हम कैसे लगाते हैं डिफरेंशिएट बहुत सारे करने पे लोग वाई का तो आपका हो जाता है वन बाई वाई और वाई का आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स एज इट इज और लॉग ऑफ साइन एक्स का आपका वन बाय साइन एक्स और साइन एक्स का आपका होएगा कोस एक्स। ठीक है इसके बाद बेटे यहां से प्लस का साइन अभी आप क्या करोगे लॉग साइन एक्स आपका एज इट इज और इस एक्स का वन ये है आपका इक्वल टू भी। देखो आपको डेरिवेटिव में गलती नहीं करनी है 1% आपकी कैलकुलेटिव पार्ट में जो आप एलसीएम वगैरह लोगे उसमें गलती चल जाएगी बट डेरिवेटिव में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। u by u into v u by v प्रोडक्ट रूल कोसाइन रूल साइन का डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते बेटे एलसीएम वगैरह में चल जाएगी। अगर आपने यहां पे जैसे cos / sin cot बनता है अगर आपने वो नहीं लिखा तो उसके नंबर नहीं कटते बट आप डेरिवेटिव में गलती मत कर देना भूल के। तो यहां से आपका जो dy / dx है वो क्या पीवे होता है देखो y को मैं ले जाऊंगा उधर क्योंकि आपको ओनली डी वाई डी एक्स चाहिए वाई की वैल्यू आपकी ये है तो मैं जब वाई की तरफ जाएगा तो हम वाई की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं ये इनटू में कोस वाई साइन आपका कोट हो जाता है ये एंड लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज बस। तो ये आपका आ गया आपसे डी वाई ओवर डी एक्स। अब अगर मैं ध्यान दूंगा मैं निकालूंगा डी जेड वाई डी एक्स तो उसको निकालते हैं देखो यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड बिकॉज जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो ऊपर भी है नीचे भी है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स बस। तो अब ये रखना कितना होगा यहां से जब हम लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स तो x आपका आगे आ जाएगा x into log of x। तो अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे फिर से देखो मैंने आपको बताया x आगे आने के बाद वो u और बाद का v तो आप यहाँ से u into v लगा दोगे तो log z आपका हो जाता है 1 by z और z का डेरिवेटिव dz by dx x है it is log x का 1 by x प्लस का साइन log x है it is और x का आपका 1 हो जाता है डेरिवेटिव। तो यहां से अब अगर मैं बात करूं डी जेड बाई डी एक्स आपका कितना आया बेटे एक्स से एक्स कट गया जेड को हम उधर ले जाएंगे ना इंटू में हो जाएगा अंदर बचा वन प्लस लॉग एक्स आपको निकालना तो क्या इसका इसके रिस्पेक्ट में तो आपको तो डी वाई बाई डी जेड चाहिए ना डी वाई बाई डी जेड डी वाई बाई डी जेड को चाहिए इसके बराबर ये तो ऑटोमेटिकली इसका इसके रिस्पेक्ट में आया ना तो डी वाई बाई डी जेड आपको निकालना फॉर्मूला क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स एंड डी जेड बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो कितना है भाई फिर आप करो तो यहाँ पे रहते हैं इसको साइन एक्स रेज टू पावर एक्स एंड एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स बस डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स इज हेयर जेड की वैल्यू पुट कर देना बेटे यहां एक्स रेज टू पावर एक्स सो एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट बस। तो ये आपका आ रहा आपको पता होगा डी वाई बाई डी जेड जो मैं निकालना था वही तो आया आपका वाई कितना है साइन एक्स रेज टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना है एक्स रेज टू पावर एक्स बस ये आपका आंसर आ जाता है यहां से सिंपल है बेटे देखो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी से एक्सरसाइज में देखो डिफरेंशिएट ई एक्स इनटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स
सेम क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं सारे ही बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसमें आपका डेरिवेटिव की रिवीजन हो जाएगी 1 से लेके 8 एक्सरसाइज तक सेम है बिल्कुल। इसका इसके रिस्पेक्ट में करना, तो इसको हमने लेट कर लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू दिस, इसको लेट कर लेंगे इस जगह बस। अभी आप मैं डी वाला डेरिवेटिव निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ex को बेटे एज इट इज, और sin x का आपका डेरिवेटिव होता है cos x बेटे √2 की तरह लगाना पड़ेगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्रोडक्ट में है ना, दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा इसको प्लस का sin, तभी sin x एज इट इज, और ex का डेरिवेटिव बेटे ex इसकी पावर का बस। इस तरीके से आपको ये करना है, यहां से सिंपलीफाई कर लेते हैं बेटे इसको थोड़ा सा, ex आपका कॉमन आ जाता है, ये हो गया बेटे cos x प्लस sin x बस। इसके बाद dz by dx और तो इसमें तो कुछ सिंपलीफाई उसी की ना हो गया इसका, तो dz by dx और निकाल दोगे e raise to power sin inverse x, बटे कभी सोचो ये पावर में आ गया है, इसकी पावर आगे नहीं आती बिकॉज नीचे कांस्टेंट पड़ा है, नहीं है इसकी पावर आगे, इसका सीधा फॉर्मूला रहा है आपका e का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, एज इट इज ना एज इट इज रखो इसको बेटा, ये मत सोचना कभी आप सोचो खाली सीधी अगर आया हुआ है, जैसे आप कभी ये सोचो z is equal to e का डेरिवेटिव बेटा इसका तो जीरो हो जाएगा, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, यहाँ पे x की चीज है ही नहीं ना, समझ गए, अगर इसका e के रिस्पेक्ट में होगा तब वन होगा, तो वो चीज आप ध्यान दे लेना इन बातों के ऊपर। तो e का बड़ा पावर में x है ना जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए आ जाएगी sin inverse x का 1/(1 - x)² के अंदर बस। तो ये है आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो dz by dx है, अभी हमें निकालना तो dy by dz ही है ना, तो dy by dz क्या फॉर्मूला बनेगा, dy by dx over dz by dx, dy by dx आपका ये रहा यहाँ पर, और योर dz by dx ये रहा आपका यहाँ पर dz by dx, ये डिवाइड नहीं है बेटा ऊपर चला जाएगा आपका बस। तो ये है आपका क्वेश्चन, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा अच्छे से बिल्कुल, और बेटा कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं बेटा, अगर आपको सोना तो ये आप छोड़ दोगे, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में हम ये करते हैं सिंपल से क्वेश्चन है, और देखते हैं क्वेश्चन को। y is equal to log of log sin x, इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखा मिलेगा बेटा आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे बेटा क्लियर रकम होगी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटे, मैंने आपको जैसे दे दिया cos inverse 1 - x² / 1 + x², इसका आपको डेरिवेटिव करना है, देखते हैं अभी क्या होगा, इसको y लेट कर लेते हैं, log of log sin x पहले तो dy by dx हो जाएगा, log का बेटे 1 by log sin x हो गया, और इस log sin x का 1 by sin x हो गया, और sin x का आपका cos x हो जाता है बस बेटे, हो गया इसमें क्या था, और हर एक चीज का हमने डेरिवेटिव कर दिया, log का हो गया, इस log का हो गया, sin का हो गया, तो सारी चीज होगी, अरेंजमेंट कर लो यार इसको, cos by sin आपका बेटे cot हो गया ऊपर, इतना ही छोड़ दो इसको आप यहाँ पे, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अभी आप यहां से निकालो डी जेड बाई डी एक्स, इसको पहले जेड लेट कर लो, अभी जो ये आपकी स्टेटमेंट आई हुई है ना डेरिवेटिव की, ये आपको पता होना चाहिए किस स्टेटमेंट का ये डेरिवेटिव, और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे अभी अगर आप ध्यान दो ना, cos inverse के अंदर जो ये आपकी एंगल बना हुआ है, इस एंगल में अगर x को मैं 10 रख दूं तो ये 1 - tan² / 1 + tan², ये आपका cos 2 थीटा होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अगर बाहर cos inverse है तो अंदर आपको cos बनाना होता है, cos अभी बनाते हैं देखो, put x is equal to tan theta, तो z is equal to cos inverse 1 - tan² y 1 + tan² थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू और निकाल लो बेटे
टेंजेंट इनवर्स एक्स, ऐसे आपको देखो एक बार ध्यान। तो अभी इसमें क्या होगा, ये जो आपके अंदर फॉर्मूला बना हुआ है ये होता है कोस टू थीटा का। देखो मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो गया ना, मेरे को बाहर कोस इनवर्स अंदर मेरे को कोस चाहिए, ताकि एक आइडेंटिटी होती है वो लग रहा है कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स बस। तो जेड इज इक्वल टू टू थीटा, बट जेड की वैल्यू क्या होगी आपकी, थीटा क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये आपका यहां से जेड आ रहा था। अभी आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे डी जेड बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दिया उसका आया हुआ है फिर को निकालना क्या है डी वाई बाय डी जेड, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा आपका आंसर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी जेड बाय डी एक्स का 2 इनटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। तो उन दोनों को डिवाइड कर देना आपका आंसर आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, तो रेगुलर वे पे अपना काम करना, अपनी कॉपी कंप्लीट करना, जब हम ऑफलाइन क्लासेस लगेगी तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, ये नहीं हम ऐसे ही लगे पड़े हैं। आप इनको देखोगे अच्छे से, कोई भी डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, अच्छे से भी स्टडी करो। डेरिवेटिव आपको बिल्कुल पक्का आना चाहिए, ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करें तो आपको कोई डाउट्स ना रहे बस।